नमस्कार दोस्तों। नमस्कार भैया, कौन सा फार्म है भाई? जय शेर सिंह यादव डेयरी है। शेर सिंह यादव डेयरी कहाँ, कौन सी लोकेशन आता है इसका? ये कैंट में आता है। अच्छा भाई, ये गाय आपने कब और कितने में खरीदा था? जी सर, मार्केट से लाया मैं। देखिए अदर क्वालिटी इस गाय का, देखिए कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, मतलब कि दूध काफ़ी इसमें अट सकता है अभी भी, मतलब इतना मिल्क होने के बावजूद इसका जो है पूरी तरह से अडर जो है, ये देखिए कितना फैला हुआ है, और जो बांट है जो इसका एक मुट्ठी का जो गैप होना चाहिए वो बना है, और जो थन में जो हम लोग छेनी बोलते हैं या वो बोलते हैं वो काफ़ी अच्छा है, पकड़ बहुत अच्छा है, मतलब बड़ा है जिससे हम मिल्क आराम से निकाल सकते हैं। इस गाय का क्या खासियत है भाई, इसमें आपने क्या, इतने दिन में आपने इस गाय को क्या मारती है या कैसी गाय है? सर जी बहुत सीधी गाय है, ये बच्चा ही बैठ जाए वो सही लात नहीं मारेगी। लात नहीं मारेगी? हाँ बहुत सीधी गाय है। अच्छा, हाँ जब ही खरीदी है। अच्छा, कितने दिन में ब्याह जाएगी? चार पाँच दिन लेगी सर। चार पाँच दिन में ब्याह जाएगा? हाँ सर। तो भाई ये गाय आपको क्या मार्केट से पसंद आया था जो लिया? मार्केट से खरीदी थी। मार्केट से खरीदा था, तो ये जर्सी से क्रॉस है, इंडियन अपना देसी ब्रीड में जर्सी से क्रॉस गाय है, बड़ी ही सुंदर गाय लग रहा है, देखने से भी अच्छा लग रहा है। और भाई साहब ये गाय का क्या रेट आपने लगाया है? इसका 40 बताया सर। 40 बताया है। ये आया कहाँ से? ये भी बाहर से ही लाया? बाहर से आया है सर। ये दूध कितना है? कल बच्चा दिया, रात दिया। हाँ सर। कितना लीटर इसका दूध? 15 लीटर देगी। ये गाय का भी कितना लीटर आप बता? इसका 15 से 16-17 लीटर देगी। 15 से 16-17? हाँ हाँ, ये तो हो सकता है भरोसे लायक, क्योंकि अडर क्वालिटी बहुत बेहतरीन है इसका, आप नज़दीक से देख सकते हैं इसके थनों को, देखिए कितना जो है एकदम इसके थन जो है बड़े हैं, सब आ रहे हैं इसमें, आप देख सकते हैं आराम से। और ये गाय कितनी अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है। तो भाई साहब ये आप फार्मिंग कब से कर रहे हो, मतलब कितने? बहुत दादे परदादे से चला रहा है ये। दादे परदादे से कर रहे हो? हाँ हाँ। इस काम को करके मतलब खुशी महसूस होता है? हाँ। गायों के बीच रहने से क्या आपको महसूस होता? अच्छा लगता है, टाइम पास अच्छा होता है, पैसा ही आता है। अच्छा, तो भैंसे तो काफ़ी आपने बना बुलंद बना रखा है, ये मुर्रा नस्ल की भैंसे? हाँ सर, एकदम प्लस्त भैंसे सब हैं। ये तो मुर्रा की क्वालिटी है, बहुत ही मेंटेन रखा है। पहला ऐसा फार्म हमें दिखा बरेली में, जे भैंस कमजोर है सर, जे नहीं आई है। ये नहीं आई? हाँ हाँ, वो दो बहुत भारी भैंस थी, बेच दी मैंने। तो भाई ये कितने लीटर दूध देती है भैंस आपकी? जे सर 12-12 लीटर दूध है। 12 लीटर दूध दे देती? हाँ, ये 15 लीटर देती है। ये 15 लीटर दूध देता है? हाँ। देखिए कितने बुलंद भैंस है। तो क्या दाना पानी में क्या खिलाते हो? अरहर की चुनी, ब्रेड, खल। अच्छा, अरहर की चुनी, ब्रेड और खल? हाँ, चुनी आइटम ही खिलाते? चुनी चोकर, छुनका होता है चोकर का, चुनी चोकर और खिलाते? हाँ। अच्छा, वो जो गाय हैं वो दोनों, उसको क्या खिलाते? यही दाना मिलता है उन्हें भी, अरहर की चुनी, खल, ब्रेड। अच्छा, और चुनी चोकर, मसूर की, गेहूं का चोकर। कैल्शियम भी देते हैं या ऐसे ही? नहीं कुछ नहीं, यही मतलब इतना आइटम ही आप खिलाते हैं। तो ये आपका कितने पशु होंगे टोटल अभी, गाय और भैंस मिला के? ऐसे ही होंगे सर सब 15-16। हाँ, तो आप कितने केजी दूध के हिसाब से कितना दाना देते हैं, क्या आपका आइडिया है? मतलब दाना नहीं सर, ऐसी अंदाज कुछ नहीं, ऐसी खाते सब, ऐसे ही डाल देते हैं, ऐसे ही खाते हैं, अंदाजा कुछ नहीं। तो काफ़ी अच्छा, मतलब आप इसमें आगे क्या भविष्य स्कोप आपको दिख रहा है, क्या कैसे डेवलप करना चाहिए, और मतलब इसमें क्या आपको, क्या डॉक्टर ज़्यादा खर्च बताए, गाय बीमार पड़ती है कैसे मैनेज करते हो? गाय बीमार पड़ती नहीं, हमारे यहाँ खिलाई अच्छी रखते हैं, जब फिटिंग या हाँ, मतलब मेंटेनेंस अच्छी होती है तो गाय कम बीमार पड़ती है, कम पड़ेगी, देखभाल अच्छी रखो बीमार पड़ेगी नहीं। इनको डिवर्मिंग करते हो टाइम से? हाँ, जो बीच बीच में पेट में कीड़े हो जाते हैं तो फिर उसका डिवर्मिंग कर लेते हो? हाँ हाँ, वो तो हो जाता है। एक बार अपना नाम बता दो। शेर सिंह यादव। वो इससे पहले भी आपके पिताजी? हाँ बस यही, जन्म से चला रहा है काम। जन्म से चला रहा है? फार्मिंग मतलब अच्छा चीज़ है, गाय बढ़िया, अच्छा मतलब अगर गाय पालना ज़्यादा अच्छा है, दूध सेल होता है? हाँ, दूध सेल हो गाय में अच्छा है। अच्छा, ये था इनका, कौन सा फार्म बताया? शेर सिंह यादव डेयरी फार्म। डेयरी फार्म देख सकते हैं, गाय काफ़ी मेंटेन है, छोटा सा जगह में एक बड़ा फार्म है, इतनी छोटी सी जगह में बहुत सारे गाय और भैंस, देखिए कितना हेल्दी घर है। तो आप
समझ सकते हैं कितना फार्म को मेंटेन रखा है इन्होंने फीड से। दाना पानी बहुत अच्छे खिलाते हैं, सेवा अच्छा। धुलाई कितने बार दिन भर में कर देते हैं? चार बार धुलाई करते हैं। हाँ। ये गाय को भी चार बार करते हैं? हाँ, गाय भी नहाती धोती है। दिन भर में मतलब चार बार धुलाई। हाँ। मतलब अति करना है इसको, मेंटेन करना है। तो ये बताइए, और ये उधर भी आपकी ही गाय? उधर हाँ, वो अपनी है सब। अच्छा, तो ये छोटा सा एरिया है देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है छोटी सी एरिया में फार्म कर रखे हैं, तो आप समझ सकते हैं इतना छोटा सा जगह में गायों को तकलीफ नहीं होती? नहीं होती सर, ज़्यादा सेवा पानी करना पड़ती है। जैसे कंजेस्टेड तकलीफ तो होती है, सेवा पानी ज़्यादा करनी पड़ती है, हो जाता है। कि इतना रहने का जगह है तो दो चार कट्ठा खुला जगह घूमने के लिए। हाँ, तो वो उसी दिक्कत है थोड़ी। अच्छा, तो ये था इनका फार्म। और आप ऐसे ही लोगों को रुझान बनाए रखिए, और भी जो आपके आसपास के हैं या दूर दराज में जो मिलता है उनको बताइए कि देखिए फीड का क्या रोल है, कितने अच्छे। हो सकता है जगह कम था, इतनी कितनी मस्त भैंस है। ये देखिए इसका आर्डर क्वालिटी आपको दिखा रहे हैं। दूध निकल गया इसका सर? इसका दूध कितना लीटर दूध दिया है? 12 लीटर। ये भैंस बिल्कुल मस्त है सब, एकदम अच्छे। तो ये सबके फैट तो काफ़ी अच्छे होंगे? बहुत ज़्यादा फैट, 80। दूध ज़्यादा ही मोटा है इनका, ज़्यादा ही हो रहा है। तो बहुत अच्छा सोच के साथ है काम करे। कितने साल से काम आप कर रहे हैं? बहुत साल हो गए। अच्छा, आगे भी यही करना? हाँ, यही। बहुत अच्छा है, गाय पालने के प्रति लोगों का जो आकर्षण है वो बना हुआ है, और मार्केट में माल सेल होना चाहिए, मतलब सब। हाँ, गाय पालने में ठीक है ना? और अच्छा, ये था काम इनका। तो ठीक है भाई साहब, ओके, धन्यवाद।